हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। होप करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयंक। आज की इस वाली वीडियो में आप लोगों को किसी बाइक की या स्कूटी का रिव्यू नहीं करके दिखाने वाला हूँ। आज की जो वीडियो होने वाली है वो आपकी बाइक या आपके स्कूटर की शाइनिंग के ऊपर वाली वीडियो होने वाली है। सो आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक ऐसी पॉलिश, अगर आप एक बार उसको अप्लाई कर लेंगे ना, आपको रबिंग भी कराने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, लॉकडाउन चल रहा है अभी दिल्ली में, सैटरडे संडे का जो लॉकडाउन कर दिया गया दिल्ली में अभी। तो अगर आपको अपनी बाइक से प्यार है या अपनी स्कूटी से प्यार है, जैसे कि मेरी तरह, अगर आपका पुराना मॉडल भी है दोस्तों, 2008-2007 का भी मॉडल अगर आपकी बुलेट का, तो भी आप लोगों की बाइक पे इतनी जबरदस्त शाइन आएगी। ये नहीं, बुलेट का कोई सी बाइक पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बाइक हो स्कूटी हो, ठीक है। तो वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया भी है सब, एक्सप्लेन करके कैसे इसको लगाना और कैसे इसको हटाना है और कैसे इसकी शाइन आएगी, ठीक है। तो ये वाली पॉलिश होती है, ये वाटरप्रूफ होती है और डस्ट प्रूफ होती है। जो मट्टी चिपकाली थी ना, ये वो भी नहीं करेगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज की वीडियो शुरू फटाफट से। तो चलिए दोस्तों, दिखाने शुरू करता हूं आप लोगों को वीडियो आज की। तो देखिए दोस्तों, ये होने वाली है वाली पॉलिश। इस पॉलिश का नाम होता है शीबा। शीबा की ये वाली पॉलिश होती है दोस्तों, ये बॉडी पॉलिश होती है एक तरीके से, ठीक है। शीबा की आप लोगों को दो पॉलिशें देखने को मिलेंगी। एक आती है ये वाली जो आप लोगों के सामने, एक दूसरी भी आती है, दूसरी भी आप लोगों को दिखा दूंगा। हमने जो इस वाली वीडियो में आज यूज़ करनी है, आप लोगों को जो दिखाना है, जो बॉडी पे हमने यूज़ करनी है, वो ये वाली पॉलिश यूज़ करनी है। दोस्तों, हमने जो आज यूज़ करनी है इस वाली वीडियो में, वो ये वाली करनी है। आपने दूसरी ये वाली शीबा की जो पॉलिश है वाली जरूर देखी होगी, लेकिन इसका आज हमने यूज़ नहीं करना है। आज हमने यूज़ करना है सिर्फ इस वाली पॉलिश का, ठीक है। तो जो वाली पॉलिश आप लोगों को दिखाई मैंने, वो वाली हमने यूज़ नहीं करनी है। दोस्तों, फिर बोल रहा हूँ, वीडियो में कमेंट मत करना, फिर हमारी जो शाइनिंग है वो ख़राब हो गई है। जो दूसरी वाली पॉलिश है शीबा की, वो उसका यूज़ अलग है, इसका यूज़ अलग है। हमने जो यूज़ करनी है वो ये वाली करनी है, जिस पर आप लोगों को बाइक बनी हुई दिख रही होगी, और वो जो दूसरी वाली है उसका जो काम है वो अलग होता है। दोस्तों, वो गाड़ी के डैशबोर्ड या प्लास्टिक पार्ट, जितने भी मैट प्लास्टिक पार्ट होते हैं, उस पर हम वो अप्लाई करेंगे ये वाली पॉलिश, और ब्लैक कलर के जितने भी इसमें पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो इसका अभी हमें यूज़ नहीं है बिल्कुल भी, इसको हम अभी हटा सकते हैं। एंड इसका यूज़ मैं भी आप लोगों को दिखा दूंगा, इसका भी आप यूज़ कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। तो अभी जो फिलहाल यूज़ है हमारा, वो इस वाली पॉलिश का, आप लोग इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मात्र 10 से 15 रुपए की आप लोगों को दोस्तों मिल जाती है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जो मैंने ये वाली पॉलिश है वो अपनी बाइक पे ऑलरेडी अप्लाई कर भी रखी है। आप उसका दूसरा वाला पाउच देखेंगे भी, आप लोगों को दिखा दूंगा, वो भी खाली हो चुका है। तो ये जो पॉलिश है दोस्तों, 3 या 4 बार एक बार में चल जाती है। अब बात करते हैं इस वाली पॉलिश की यूज़ की। दोस्तों, ये वाली जो पॉलिश है, आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों को एक बार ये भी बता देता हूँ। इसको सबसे पहले आप जो यूज़ करेंगे वो अपने टायर्स वगैरह पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने टायर पे इसको यूज़ कर सकते हैं, या जितने भी प्लास्टिक पार्ट्स होते हैं बाइक पे, आप उस पर यूज़ कर सकते हैं इसको। जैसे कि यहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये प्लास्टिक पार्ट है ब्लैक कलर का, तो यहाँ पे भी शाइनिंग जो है वो दे देगा। टायर्स पे इसको आप यूज़ कर सकते हैं, रिम पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसको कहीं यूज़ नहीं करना है। बाकी देखिए, जो प्लास्टिक पार्ट की मैं बात कर रहा था, वो आप इसको जैसे स्कूटर वगैरह पे यूज़ कर सकते हैं। जितना भी प्लास्टिक पार्ट आप लोगों को दिख रहा है, गाड़ी का डैशबोर्ड होता है, ये जितने प्लास्टिक पार्ट्स हैं, यहाँ सारे में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज इसको और कहीं यूज़ नहीं करना है, बॉडी पे इस पॉलिश को नहीं लगाना है। सारी मिट्टी चिपका लेगी, सारी डस्ट डस्ट कर देगी, आपकी जो शाइनिंग है बाइक की बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। अभी हम इसका यूज़ नहीं है, इसको हम अभी हटा सकते हैं। तो आ जाते हैं अपनी मेन पॉलिश के ऊपर। दोस्तों, ये है हमारी मेन पॉलिश जो आज हमें यूज़ करनी है इस वाली बाइक के ऊपर। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जो रैपर में मैंने आप लोगों को फाड़ के दिखा दिया है इसका, इसमें जो पॉलिश है वो बिल्कुल खाली हो चुकी है मेरी। अब 3 या 4 बार इसको यूज़ कर सकते हैं हम, एक बार इसको ओपन करने के बाद। यूज़ कैसे करना है दोस्तों, थोड़ी सी आपने लेनी है, बिल्कुल जरा सी आप लोगों ने लेनी है, भी आप लोगों को मैं हाथ पे लेके भी दिखा दूंगा। जरा सी आपने लेनी है और अपनी बाइक के पेंट सरफेस पे आपने इसको सर्कुलर मोशन में रब करना है, ठीक है। हाथ से ही रब करना है आपने इसको, बस आपने हाथ से इसको रब करना है, कपड़े वगैरह से आप लोगों ने नहीं लगाना है इसको। जैसे आप लोग मेरे टैंक पे देख सकते हैं, पॉलिश इस टाइम अप्लाई हो रखी है। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को इसको अपने यूज़ कहाँ कहाँ करना है। दोस्तों, ये वाली जो पॉलिश, आपने जितने भी पेंटेड पार्ट्स होते हैं आपने वहाँ यूज़ करना है। आप इसको क्रोम पे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपका कोई क्रोम मॉडल है, जैसे मेरे पास इलेक्ट्रा है, तो इसके जो क्रोम पार्ट्स है इस पर भी मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। साइलेंसर पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसको आप सीट पे अप्लाई नहीं करेंगे दोस्तों, लाइट्स पे अप्लाई नहीं करेंगे इसको आप, और टायर वगैरह पे इसको अप्लाई नहीं करेंगे आप। थोड़ी सी मैं आप लोगों को जो लेके दिखाया था, आपने कैसे लेनी है, देखो जरा सी हमने ली, इसको आप टैंक पे लगा देंगे और इसको सर्कुलर मोशन में आप इसको रब करेंगे, बस ऐसे, बस इतना काम है दोस्तों। आपने ऐसे ऐसे करना, हल्की सी पॉलिश लगानी है, ठीक है। मैंने इस टाइम टैंक पर थोड़ी सी ज़्यादा पॉलिश लगा रखी है आप लोगों को, ताकि दिख जाए वीडियो में पॉलिश लगी हुई है, लेकिन इतनी पॉलिश आप लोगों ने नहीं लगानी है, जरा सी पॉलिश ही बहुत होती है। पॉलिश लगाने के बाद इसको 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है। 10 से 15 मिनट के बाद जब ये अपने आप सूख जाएगी तो वाइट हो जाएगी, ठीक है। वाइट होने के बाद आप लोगों को मैं बता दूंगा भी आपने कैसे इसको कपड़ा मारना है। सर्कुलर मोशन में इसको सारे में आप फैला दीजिए, जितने भी आपसे हो सकते हैं उतने अच्छे से इसको फैला दीजिए सारी पॉलिश को। बाकी आप इसके मडगार्ड वगैरह पे भी मार सकते हैं, आपके अगर कोई भी क्रोम मॉडल है तो आपको मैं
दिखाने के लिए मैंने लगा दिया दोस्तों, कि आप लोग देख सकते हैं कि आप इसको क्रोम पार्ट्स पर भी इजीली लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई डल नहीं पड़ता, बल्कि शाइन और ज़्यादा आ जाती है। आप इसको हेड पे लगा सकते हैं ऊपर, या लाइटिंग के हेड पे भी लगा सकते हैं आप इसको, हेडलाइट के। अब आप लोग देखेंगे दोस्तों, मैंने बैंड पाइप पे भी इसको लगाया हुआ है, बैंड पाइप पे और साइलेंसर पे भी मैंने इसको पूरी पे अप्लाई किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। साइड पैनल पे मैंने इसको लगाया हुआ है, साइड पैनल पे भी मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पे भी मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, जितने भी क्रोम पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पीछे रियर जो मडगार्ड होता है इसमें भी मैंने यूज़ किया हुआ है, लेकिन दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे मैंने सीट पे और लाइटिंग वगैरह पे इसको यूज़ नहीं किया। मैं आपको भी ये बोलूँगा कि यहाँ पे यूज़ मत करना इसको बिल्कुल भी, और हैंडल पे आपने इसको यूज़ नहीं करना है, एंड ना ही इसको साइड मिरर्स में आपने यूज़ करना है। मैं देख सकता हूँ मैंने मीटर वगैरह पे भी नहीं लगाया दोस्तों इसको। तो पॉलिश आप लोगों को मैंने दिखा दी है, ऐसे आप लोगों ने पॉलिश लगानी है। अब इसको सूखने देते हैं, देन अब मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे वीडियो। और एक चीज़ और दोस्तों, ये आपका जो इंजन होता है, इंजन पे भी आप लोगों ने इसको नहीं लगाना है, कहीं आप लोग इंजन पे लगा दो। चलिए दोस्तों, इतनी पॉलिश सूखती है, इतने हम बात करते हैं कपड़े की। तो आप इसको साफ करने के लिए कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं, अगर आपके पास माइक्रोफाइबर है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े जो रखे हुए हैं, एक आप ये टॉवल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ये माइक्रोफाइबर क्लोथ होता है ये यूज़ कर सकते हैं, कोई कत्तर वगैरह छोटी सी यूज़ कर सकते हैं, या कोई कपड़ा वगैरह, या अगर आपके पास ये सब भी नहीं है तो अपने एक सॉक्स वगैरह ले लो, सॉक्स से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं मैंने ये भी रखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों देसी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा आप लोगों को कुछ महंगा खर्चा करना पड़े अपनी बाइक को मेंटेन रखने के लिए, उसकी केयर के लिए। 10 से 15 रुपए की मात्रे वाली पॉलिश आ जाती है, अगर आप कहीं अच्छी जगह रहते हैं तो आप लोगों को 10 रुपए की भी मिल जाएगी, अगर आप थोड़े से गांव देहात में कहीं रहते हैं तो आप लोगों को 15 से 20 रुपए तक मैक्सिमम मिल जाएगी, इससे ज़्यादा का उसका रेट नहीं है दोस्तों। वैसे जो उसका रेट है वो 10 रुपए, कहीं उसको 15 का बेचता है, कोई उसको 20 का बेचते हैं। इस पर MRP जो मेंशन होती है वो 34 रुपए होती है। तो इतने इसको सूखने देते हैं दोस्तों, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ आप लोगों से आगे वीडियो। तो दोस्तों 15 से 20 मिनट हो चुके हैं मेरी बाइक के पॉलिश लगे हुए, एंड मैंने थोड़ा सा हटा के देखा, बिल्कुल पॉलिश जो सूख चुकी है, बिल्कुल शाइनिंग आ रही है, थोड़ा सा मैंने हटा के देखा यहाँ पे अभी। तो चलिए अब मैं एक बार बाइक पूरी साफ़ करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए मैं टॉवल से जो उसको साफ़ कर रहा हूँ, आप लोगों को शाइनिंग जो है नज़र आती लग जाएगी दोस्तों, आप लोग देखते जाइए शाइनिंग कैसे आती है अभी इसमें। जितने टाइट हाथ से आप इस पर कपड़ा मारेंगे दोस्तों, उतनी ज़्यादा शाइनिंग इस पर आती जाएगी, ठीक है। एक अच्छा सा, जैसे मैंने आप लोगों को कपड़े दिखा दिए, आप सूती कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, कॉटन का, माइक्रोफाइबर क्लोथ कोई भी आप लोग ले लीजिए। उसके बाद आप इस पर टाइट हाथ से जो है कपड़ा मारिए, तो देखिए जितनी आप टाइट हाथ से मारेंगे उतनी ज़्यादा शाइनिंग इस पर आती जाएगी दोस्तों। अगर आपके पास कोई मशीन है रबिंग वाली तो बहुत अच्छी बात है, एक स्पंज जो होता है, आगे स्पंज लगा के उस पर जो रबिंग वगैरह है वो कर सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा शाइनिंग इस पर आ जाएगी। लेकिन अगर आप इसको हाथ से भी यूज़ करेंगे तो भी आपका जो काम है वो चल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं एक बार फटाफट से पूरी बाइक पर कपड़ा मार देता हूँ, देन आप लोगों को दिखाता हूँ उसकी कम्प्लीटली शाइनिंग। तो हाँ जी दोस्तों, देख सकते हैं आप शाइन पूरी बाइक पे मैंने कपड़ा जो अच्छे से मार दिया है, और जो शाइनिंग है वो आप लोगों के सामने है, रिजल्ट आप लोगों के पूरा पूरा सामने है। अब आप लोग देख सकते हैं इसके टैंक पे आप लोगों को मैं पूरा पूरा नजर आ रहा हूँ दोस्तों आसानी से। अभी जो ये कलर है दोस्तों, उस कलर का नाम होता है मैजिक ब्लैक इलेक्ट्रा का। ये हल्का अभी आप लोगों को ग्रीन शेड भी देता है, और ये हल्का आप लोगों को ब्लैक शेड भी देता है। तो अभी ये शाइनिंग मैं आप लोगों को इसकी जरा एक बार चेकआउट करा देता हूँ दोस्तों। और एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जो दोस्तों ये पॉलिश है ये आप लोगों को वाटरप्रूफ मिलती है और डस्ट प्रूफ मिलती है, इस पर डस्ट वगैरह नहीं चिपकेगी आपकी बाइक पे। ऊपर एक पतली सी लेयर बना देती है वाली पॉलिश, जिस वजह से ना डस्ट चिपकाती है ना ये पानी वगैरह आती है, और जो उसकी लाइफ है वो आराम से 20 से 25 दिन ये चल जाती है दोस्तों। शाइनिंग आप लोग अपने सामने चेक कर सकते हैं, ऊपर फैन वगैरह लाइटिंग वगैरह सब आप लोगों को जो है नज़र आ रही होगी अब इस टैंक पे दोस्तों। उसके ऊपर अभी रबिंग वगैरह जो है नहीं हो रखी है, लेकिन मैं अपनी बाइक को जो है साफ सुथरा बिल्कुल रखता हूँ मेंटेन करके। लेकिन आप लोग देख सकते हैं रबिंग की जरूरत भी नहीं है, पॉलिश लगाने के बाद जो शाइनिंग है वो कैसी आ चुकी है, रबिंग के बाद भी शायद इतनी शाइनिंग जो है नहीं आती है। अब आप लोगों के सामने दोस्तों रिजल्ट जो है लोगों को कम्प्लीटली मैं नज़र आ रहा हूँ उस टैंक के ऊपर। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार फोन फ्लैश ऑन करके दिखाता हूँ, आप लोग इसके स्पार्कल्स देख सकते हैं, ये फ्लैश ऑन करने के बाद जो स्पार्कल्स होते हैं वो नज़र आने लग जाते हैं दोस्तों। आप लोग उसके स्पार्कल्स देखिए एक बार, जो उसके कलर के स्पार्कल्स होते हैं वो भी नज़र आ रहे हैं हमें, और हल्का हल्का दोस्तों ग्रीन शेड हमें दे रहा है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हल्की हल्की ग्रीन शेड देता है और ब्लैक शेड भी देता है। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा शाइनिंग आ गई है। आई डोंट थिंक कि रबिंग कराने की अब हमें ज़रूरत है, हमारे हाथ से ही जो इस पॉलिश के बाद जो शाइनिंग है वो कितनी ज़्यादा आ चुकी है। तो दोस्तों ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है किसी भी तरीके का, ये पर्सनली मुझे अच्छा लगा तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया, आप लोगों को सजेस्ट किया। अब आप लोगों के ऊपर आप इसको यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। बक्से पे भी देख सकते हैं आप लोग, इसका साइड पैनल पे भी कितनी ज़बरदस्त शाइनिंग जो आ गई है, ठीक है। पूरी पूरी शेड जो है मेरी नज़र आ रही है आप लोगों को, इस पर भी आप लोग देख सकते हैं लगा रखा है मैंने, ठीक है दोस्तों। इंजन पे भी जो बफिंग वगैरह मैंने ऑलरेडी कराई हुई है, इंजन पे पॉलिश नहीं लगाई है मैंने, एंड ये आप लोग इसके हेडलाइट वगैरह देख सकते हैं, हेड देख सकते हैं आप, इसका सारा जो है क्लीन हो चुका है दोस्तों। अब आप लोगों को इसका मडगार्ड दिखाता हूँ, आप लोग अगर क्रोम मॉडल है क्रोम पे भी अप्लाई करेंगे तो भी शाइन कितनी ज़बरदस्त आ जाएगी। अब आप लोग ये देखिए ज़रा दोस्तों, ये मडगार्ड पे भी कितनी ज़बरदस्त शाइन जो है दे रही है,
बीच में पॉली ज्वेल लगी हुई थी, अब आप लोग देख सकते हैं पूरी पूरी रिफ्लेक्शन आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये देख सकते हैं आप लोग शाइनिंग दोस्तों की, क्या शाइन दे रही है बाइक, ज़बरदस्त लुक दे रही है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बैंड पाइप और साइलेंसर पे भी मैंने लगाया था, वो भी मैंने हटा दिया। आप लोग इसकी भी एक बार शाइन चेकआउट कीजिए, क्या शाइन आ रही है इसकी। बाकी साइड पैनल आप लोगों को दिखा दिया मैंने, रियर पे भी मैंने अप्लाई किया था, रियर की शाइन भी आप लोग एक बार चेकआउट करेंगे, क्या ज़बरदस्त ये शाइन दे रही है। रिफ्लेक्शन देखिए दोस्तों एक बार, तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग इसके डे लाइट की शाइनिंग। अगर ये बाइक धूप में खड़ी होती है, अभी धूप हो रही थी बाहर, तो अभी इसकी शाइनिंग आप लोगों को जो है दुगनी देखने को मिलती दोस्तों। चलिए कोई नहीं, अब इतने से ही आप लोगों को आइडिया जो है मिल गया होगा इसको देखने के बाद कि इसकी शाइनिंग कितनी ज़बरदस्त आ गई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वाली वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। चलिए मिलते हैं कल शाम 6 बजे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।